IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग अब महंगा सौदा हो गया है। 1 सितंबर से IRCTC ने सभी रेल टिकट पर सर्विस चार्ज लेना शुरू कर दिया है। टिकट बुक करते समय आपको सर्विस चार्ज से कुछ राहत कैसे मिलेगी, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को टच करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार सुमन और आप देख रहे हैं एक्वस ग्राउंड MPT। रेलवे की नॉन एसी ट्रेन टिकट बुक कराने पर 15 रुपये और एसी क्लास पर 30 रुपये सर्विस चार्ज लिया जा रहा है। ये सर्विस चार्ज GST के अलावे है। हालांकि अगर आपको बुकिंग चार्ज से राहत चाहिए तो भीम ऐप का ऑप्शन चुनना होगा। अगर आप भीम ऐप से टिकट का पेमेंट करते हैं तो 1 नवंबर 2019 से चार्ज 50% तक कम हो जाएगा। सरकार ने 3 साल पहले IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज खत्म कर दिया था। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसा किया गया था। उस वक्त नॉन एसी के टिकट पर 20 रुपये और एसी पर 40 रुपये चार्ज लगता था। अगर आप भीम UPI की मदद से पेमेंट करते हैं तो नॉन एसी के लिए 10 रुपये और एसी क्लास के लिए 20 रुपये देना होगा। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद IRCTC ने जून 2017 के लिए सर्विस चार्ज में छूट दी थी, बाद में इसे आगे बढ़ाती रही। रेलवे बोर्ड अब सर्विस चार्ज फिर से शुरू करने की मंजूरी दे चुका है। अधिकारियों का कहना है कि सर्विस चार्ज हटाने की वजह से वित्त वर्ष 2016-17 में इंटरनेट टिकट रेवेन्यू 26% घट गया था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल एक्वस ग्राउंड MPT को सब्सक्राइब करें।